हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूरज पांडे एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नए ट्यूटोरियल, एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे किसी को कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिल रहा है, किसी को प्रोडक्ट करेंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है, और किसी किसी को प्रोडक्ट करते हैं तो कैंसिल हो जा रहा है। और दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि अगर हम कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम मोबाइल फ़ोन लिखते हैं तो जितनी भी कैटेगरी के मोबाइल फ़ोन हैं सभी करेंटली आउट ऑफ स्टॉक बता रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी कैटेगरी के फ़ोन एक साथ आउट ऑफ स्टॉक हो जाएँ? और दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं हम चाहे 4 आने की सामान खरीदें, चाहे 50,000 का, लेकिन उस पर कैश ऑन डिलीवरी हमें नहीं मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑर्डर कैंसिल हो जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे लिख के आ रहा है दिस प्रोडक्ट इज, उनके पिन कोड को मेंशन करते हुए, करंटली आउट ऑफ स्टॉक। दोस्तों, क्या आप सबके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही? तो दोस्तों, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा और आप लोगों को लाइव अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चलना होगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इससे पहले कि हम लोग ज़्यादा आगे बढ़ें, बस आपको मालूम ही है क्या करना है, जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सबको फैला देना, ताकि सबको पता चल जाए। जो लोग परेशान होंगे वो निश्चिंत हो जाए। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे टेक्निकल और यूज़फुल वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें, जो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए अक्सर लाए जाते हैं। सो लेट्स गो ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइज, यू कैन सी नाउ मैं आ गया अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हुई है, जो कि इंडिया में चलती है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि अमेज़न के होम पेज पर एक बैनर में एक मैसेज लगाया गया है, उसमें लिखा है डिलीवरिंग एसेंशियल ओनली इन लाइट्स ऑफ द लेटेस्ट गवर्नमेंट गाइडलाइंस, वी आर टेकिंग ऑर्डर टू एसेंशियल प्रोडक्ट्स ओनली, डिलीवर मे टेक लॉन्गर देन नॉर्मल। दोस्तों, भारत सरकार के नियम के अनुसार जिन जिन एरिया को या जिन जिन पिन कोड्स को लॉकडाउन घोषित किया गया है, या मान लीजिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, वहाँ पर सिर्फ अमेज़न ज़रूरी सर्विस ही डिलीवर करेगा, ज़रूरी प्रोडक्ट ही डिलीवर करेगा। अब ज़रूरी प्रोडक्ट में कौन कौन प्रोडक्ट आता है, चलिए हम ये भी देख लेते हैं। इस बैनर पे हम क्लिक कर देंगे, यह आपको अमेज़न के ऐप पर भी दिखाई देगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हैंड वॉश, सैनिटाइज़र एंड डेफिनेटिव जैसे प्रोडक्ट भी आपको मिलेंगे, मास्क मिलेगा, हेल्थ केयर डिवाइस यानी जिससे आप ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, हाउस होल्ड क्लीनर घर पे साफ़ सफाई करने वाला क्लीनर, और ग्लोसरीज यहाँ पर बादाम ऑयल, गोल्ड ऑयल यानी खाने वाला तेल, बेबी एसेंशियल यानी कि जो पैम्पर्स हगीज़ वगैरह होते हैं ये सब, और ट्रिमर मशीन जैसे दाढ़ी बाल बनाने के लिए, उसके नीचे साबुन और नारियल तेल वगैरह। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर हेल्थ यानी स्वास्थ्य से संबंधित जैसे डाबर च्यवनप्राश और आयुष मतलब इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट, और यहाँ पर एसेंशियल सर्विस जैसे कि हिमालय का तेल वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी चीज़ें एसेंशियल सर्विस में आती हैं। और भी जाकर के आप मोर प्रोडक्ट्स में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके कंटेनमेंट एरिया में डिलीवर होंगी। तो दोस्तों, इसके बाद मान लीजिए आप कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह लेना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं एक मोबाइल सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर मोबाइल मैंने सर्च कर दिया, और सर्च करने पर यहाँ करेंटली नॉट डिलीवरेबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न जो है सेम यही है कि सिर्फ आपको जो आपका कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब ज़रूरी सर्विस ही मिलेगी, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ डिलीवर नहीं होगी। इसकी कंफर्मेशन के लिए आप चेक कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर जो डिलीवर टू दिखा रहा है इस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना पिन कोड टाइप करना है। पिन कोड टाइप करने के बाद आपको वो बता देगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना पिन कोड टाइप करता हूँ दूसरा वाला, तो यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैसेज हट गया है। अब अगर मैं यहाँ पर मोबाइल लिखूँ तो यहाँ पर मुझे सभी मोबाइल फ़ोन डिलीवरी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी मोबाइल अवेलेबल हैं, लेकिन अगर वहीं पर मैं अपना पिन कोड चेंज कर देता हूँ, तो जैसे कि मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, चलिए हम प्रोडक्ट पिन कोड अपना चेंज करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मान सकते हैं कि मैं इस पिन कोड को यहाँ पर से चेंज करता हूँ, और ये पहले वाला अपना पिन कोड यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब दोस्तों, अप्लाई करते ही आप यहाँ पे देखेंगे पूरा सीन ही बदल गया, यहाँ पे लिखा आ रहा है करेंटली अनअवेलेबल। अब फिर से हम मोबाइल को सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाएगा कि
कि प्रोडक्ट करेंटली, यानी कि सारे प्रोडक्ट एक साथ आपको दिखेंगे करेंटली नॉट अवेलेबल। शायद कुछ फ़ोन्स आपको दिख जाएं जिनकी डिलीवरी संभव हो, बाकी तो सभी के सभी यहाँ पर करेंटली नॉट डिलीवरेबल ही आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों, कैश ऑन डिलीवरी ना मिलना, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम बस इस टाइम यही एक ही है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग चेक कर लीजिए इसके बाद आप यहाँ पर, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आपके इधर आती है तो वहाँ पर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह कुछ भी काम नहीं करेगी, इसलिए आपको यहाँ पर एक चेक करना ज़रूरी है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि मैंने ट्यूटोरियल में बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब दोस्तों, जो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं उसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, सॉल्यूशन इसका कोई भी नहीं है। अमेज़न वहाँ पे क्लियर कर चुका है कि हम सिर्फ इसी प्रोडक्ट को वहाँ पे डिलीवर कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँगा, अगर मान लीजिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा वो तो आपको मिल ही रही, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, या नहीं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आप मान लीजिए आपके आसपास का कोई 2-4-10 किलोमीटर का पिन कोड सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद अगर उस पर आपको POD मिलता है या वो प्रोडक्ट स्टॉक में रहता है तो उसके बाद क्या करना है, उस पर आप प्लेस कर लीजिए। जिस दिन डिलीवरी होने लगेगी डिलीवरी बॉय आपको कॉल करेगा और मैसेज भी आएगा, आप डिलीवरी बॉय से मतलब कॉल पे बात कर लीजिए, और बात कर लेने के बाद आप जाइए उससे एक जगह पे मिल लीजिए और वहाँ से आप पार्सल रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी इस सिचुएशन में थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जान पर रिस्क लेकर के घर से बाहर निकलिए। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर की बाहर लगा दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटा दबा देना, मतलब मैं बेल वाला घंटा दबाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है, घंटे का बटन दबा देना ताकि अलार्म अलर्ट हो जाए और आप लोगों को जब भी मेरी वीडियोज़ अपलोड हो इस चैनल पर तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अच्छे टेक्निकल और क्लियरिटी वाली वीडियोज़ का मज़ा ले पाएँ। चलिए मिलूँगा फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।